मामला चल पर जलौन के औरैया रोड का है। औरैया रोड पे बने मकान फ्रीडम कॉलोनी और संगम बिहार प्रतापपुर मोहजे पर बने मकान में जहां पर रात के समय अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर सामान जेवरात और 9,900 रुपए नकदी लेकर रफचक्कर हो गए। मकान में किराए में रह रहे आनंद बाबू उर्फ लालू पुत्र दयाराम ने जाकर मकान में देखा, ताला टूटा पड़ा हुआ था। मकान मालिक संतोष कुमार को सूचना दी। संतोष कुमार अपनी पत्नी को लेकर मौके पर मकान में पहुंचे तब ममता ने देखा सामान बिखरा पड़ा हुआ था, कुछ सामान गायब था, जिसकी सूचना डायल 112 को मौके पर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, कोतवाली पहुँच कर शिकायत पत्र दिया गया और कहा गया कि वैधानिक कार्रवाई की जाए, सामान ढूंढने की कृपा की जाए। प्राइम डे के न्यूज चैनल के लिए विनोद कुशवाहा, जालौन उत्तर प्रदेश। नाम है आपका? आनंद बाबू और फलालू। कहाँ रह रहे हो आप? कहाँ के रहने वाले हैं? हम माधोगढ़ के रहने वाले हैं। और इस समय हम जालौन औरैया रोड संगम विहार कॉलोनी में रह रहे हैं। अच्छा, क्या मामला है? हम यहाँ मंगलवार को आए थे, हमारे घर में सब ठीक ठाक था, हम अपनी ससुराल जनकपुर गए हुए थे बच्चों के साथ। जब कल शाम को हम अकेले वापस आए 4:30-5 बजे के लगभग, तो मैंने देखा मेरे घर के सभी ताले टूटे पड़े थे और घर का सब सामान तितर बितर पड़ा था। जो भी बचा हुआ था बाकी मेरा सब सामान चला गया, खाने पीने का सभी सामान गया, बर्तन ले गए और हमारे बच्चों के, हमारी पत्नी के जो नए कपड़े सेफ में रखे हुए थे वो ले गए हैं, गैस सिलेंडर ले गए हैं और कुछ सामान पर्स में पड़ा था 9,500 रुपये नगद, एक सोने का ओम, दो नाक की कील, चांदी की एक जोड़ी गुच्छीदार तोड़िया पायल और दो जोड़ी बिछिया, ऐसे ही मिलाकर के 50,000-55,000 के लगभग का सामान हमारा चला गया। खाने पीने का सभी सामान ले गए कि हम मोहताज हो गए खाने के लिए। अच्छा, यहाँ और किसी की चोरी हुई है क्या आपके आसपास? हाँ, बगल में भी दो ताले टूटे हुए हैं। एक बगल में हमारे सुल्तानपुरा के रहते हैं, उनका ताला टूटा है, लेकिन उनके अंदर से गैलरी के ताले बच गए तो उनका ताला टूटा है। और एक बगल में एक दीपेंद्र भाई साहब रह रहा है, उनका ताला टूटा, उनके जनरेटर का सामान गया है। अच्छा, हाँ। ये लोग कौन है लगभग में, कोई सूचना अभी तक हुई है? अभी नहीं, अभी तक तो कोई सूचना नहीं हुई। कल मैंने आकर के 5:30-5 बजे अपने पत्नी को बुलवाया और ये मेरे भांजे का मकान संतोष कुमार एडवोकेट का है, डकोली वालों का, उनको सूचना दी, वो आए, फिर उन्होंने 112 नंबर पर कॉल करके 112 नंबर कॉल किया, पुलिस आई, तफ्तीश की, उन्होंने बोली सुबह आप आकर के कंप्लेंट कर देना, अभी मैं कंप्लेंट करने जा रहा हूँ।